हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर फिफ्थ, क्लास फिफ्थ का चैप्टर है द कंप्यूटर नीड ऑफ टुडे। मतलब कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आज उसको हम उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी लाइफ के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और वही आज उसके बारे में ही हम लोग आज जानेंगे। द वर्ड कंप्यूट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर। जो कंप्यूट वर्ड है वो कहाँ से आया है, कंप्यूटर से। विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। सो अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर को हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर को क्या कंसिडर करेंगे, वो जो कैलकुलेटिंग करती है, कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट एनरोमस स्पीड। जो कि कैलकुलेट करती है, वो ये कैलकुलेट डिवाइस है जो कि परफॉर्म करती है अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब मैथमेटिक ऑपरेशंस को बहुत ही ज़्यादा तेजी स्पीड से। इनफैक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेंटिंग द कंप्यूटर वॉज टू क्रिएट अ फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। जबकि अगर देखा जाए तो एक ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन्वेंटिंग इसलिए करा गया, कंप्यूटर वॉज टू क्रिएट अ फास्ट, मतलब कंप्यूटर को एक इसलिए बनाया गया ताकि इससे ये है एक फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन, ताकि जल्द से जल्द कोई भी चीज़ें कैलकुलेट कर लिया जाए। मोर एक्यूरेटली अ कंप्यूटर मे बी डिफाइंड एज अ दैट ऑपरेट्स अपॉन इंफॉर्मेशन और डेटा। मतलब ये जो है एक्यूरेटली कंप्यूटर, एक्यूरेटली कैलकुलेशन करना कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है। मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस, हम लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये वो डिवाइस है जो कि ऑपरेट करती है अपॉन इंफॉर्मेशन और डेटा, जो कि ऑपरेट करती है इंफॉर्मेशन और डेटा को। अ कंप्यूटर कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा एज व्हेन डिजायर्ड। अब एक कंप्यूटर जो है वो स्टोर, कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है डेटा को, और प्रोसेस किया जा सकता है डेटा को, और रिट्रीव यानी कि वापस से लिया जा सकता है डेटा एक जब हम डिजायर्ड, यानी कि जब भी हमारी इच्छा हो तब। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, ये कंप्यूटर जो है एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी डिवाइस है। इट कैन परफॉर्म इन अ फ्यू सेकेंड्स, ये कुछ ही सेकेंड्स में बहुत सारा काम कर देता है ह्यूमन बींग का। कैन डू इन अ एंटायर ईयर, जो कि पूरे साल भर में एक ह्यूमन बींग करता है, ये कुछ ही सेकेंड्स में कर देता है। If he worked day and night, अगर ये work करे दिन और रात, and did nothing else, और कुछ नहीं। The accuracy of computer is consistently high, जो accuracy होती है, ठीक है ना, computer की, वो लगातार high होती जा रही है और होती भी है। And the degree of accuracy of a particular computer depends upon its design. यानी कि जो डिग्री होती है एक्यूरेसी की पर्टिकुलर कंप्यूटर, एक हर एक कंप्यूटर की, वो डिपेंड करती है उसके डिज़ाइन के ऊपर। बट फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ईच एंड एवरी कैलकुलेशंस इज परफॉर्म्ड विद अ सेम एक्यूरेसी। पर अगर हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में देखा जाए, हर एक कंप्यूटर में, तो हर एक कंप्यूटर की कैलकुलेशन परफॉर्मिंग स्पीड जो होती है वो सेम ही होती है, और एक्यूरेसी भी जो होती है, एक्यूरेसी मतलब होता है सही चीज़ें, कैलकुलेशन स्पीड हो गई, ठीक है ना, या डेटा को अगर चेक करने का तरीका हो गया, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट होता है। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लेक ऑफ कंसंट्रेशन एट्सेट्रा। यानी कि ह्यूमन बीइंग को अगर देखा जाए तो इसको ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल फ्री कर दिया है, उसको थकान नहीं होती, उसका कंसंट्रेशन भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल बहुत आराम से ह्यूमन बीइंग इन कंप्यूटर्स पर अपना काम आसानी से कर सकता है। एंड हैंस कैन वर्क फ्रॉम हार्स टूगेदर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, यानी कि बहुत सारे घंटों तक काम कर सकते हैं और विदाउट एरर को लाए, एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। दिस कंप्यूटर्स स्कोर्स ओवर ह्यूमन बींग इन डूइंग रूटीन टाइप ऑफ जॉब्स विच रिक्वायर ग्रेट एक्यूरेसी। इफ 10 मिलियन कैलकुलेशन हैव टू बी परफॉर्म, अ कंप्यूटर विल परफॉर्म द 10 मिलियन कैलकुलेशन विथ एग्जैक्टली द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज द फर्स्ट वन। ये डेली रूटीन टाइप के जॉब्स के अंदर भी काम आता है, ये
और इसकी ग्रेट एक्यूरेसी होती है, यानी कि बिल्कुल सही सटीक गणना बोलते हैं हम लोग, सटीक यानी कि बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। अगर कंप्यूटर को 10 मिलियन की कैलकुलेशन भी करनी हो, ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत आराम से 10 मिलियन की कैलकुलेशन विथ एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल अच्छी गणना के साथ और स्पीड बहुत तेज़ी से वो कर लेता है। एज अ ह्यूमन बींग एक्वायर्स न्यू नॉलेज, जब भी ह्यूमन बींग को ज़रूरत होती है नई नॉलेज की, द ब्रेन सबकॉन्शियसली सेलेक्टेड वॉट इट फील्स टू बी इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ रिटेनिंग इन इट्स मेमोरी एंड रेगुलेट्स अन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स टू बी बैक ऑफ द माइंड। यानी कि जब भी कभी ह्यूमन को ज़रूरत होती है नई नॉलेज की, तो ब्रेन क्या होता है, सबकॉन्शियसली सेलेक्ट करता है कि उसे क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट लग रही है और उसे क्या चीज़ बेकार लग रही है अपनी मेमोरी में से, और उसको रिलीगेट करता है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हटा देता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वो ले लेता है। जस्ट फॉरगॉट्स देम बट अ कंप्यूटर कैन स्टोर, यानी बट कंप्यूटर जो होता है वो स्टोर करके रखता है सारी इन्फॉर्मेशन को, रिकॉल एनी इन्फॉर्मेशन, एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटेन्ड एज लॉन्ग एज डिजायर्ड बाय द यूज़र। यानी कि हर एक इन्फॉर्मेशन को वो रिटेन कर सकता है, यानी कि लंबे समय तक वो अपने पास में रख सकता है, जब भी हम लोगों को उसकी ज़रूरत होगी तो हम लोग उसमें से वो इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। एंड कैन बी रिकॉल्ड एंड एज एंड वैन रिक्वायर्ड, और जब इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स, जबकि हम लोग देखा जाए बहुत सालों तक द इन्फॉर्मेशन रिकॉल्ड विल बी एक्यूरेट एज ऑन द डे वैन इट वॉज फेड टू द कंप्यूटर। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर में से निकाल सकते हैं जब भी हम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब, और बहुत सालों बाद भी अगर हम लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को निकाला उस कंप्यूटर में से, तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम डे तक बिल्कुल सही और एक्यूरेट रहेगी। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म द टास्क विथ अनथिंकेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो है वो अपना काम परफॉर्म करता है बिल्कुल बिना सोचे समझे और बिल्कुल सही स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ। सिंस द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इन 1943, जब देखा जाए कि डेवलपमेंट, जब नया कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था 1943 में बाय डॉक्टर एलन एम टर्नर, द सिंस एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज विद ग्लोबलाइजेशन। उसके बनने के बाद साइंस के मेथड के अंदर, ये कम्युनिकेशन के अंदर, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्लोबलाइजेशन चेंज आया था, एंड नीड टू कम्युनिकेट इंस्टेंटेनसली द कंप्यूटर हैज़ बिकम इंडिस्पेंसेबल। इट वॉज इनिशियली यूज मेनली फॉर कैलकुलेशन बट नाउ इट इज़ यूज फॉर मल्टीपर्पज। इसके अंदर जो कम्युनिकेट होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, और कंप्यूटर में एक इंडिस्पेंसेबल होता है एक चीज़ जिससे कि कंप्यूटर को कभी भी किसी भी तरीके से हम लोग यूज़ किया जा सकता है। अ कंप्यूटर इज़ यूज फॉर रिक्रूटिंग पर्सनल, कंप्यूटर को यूज किया जाता है रिक्रूटमेंट करने के लिए, रिक्रूटिंग पर्सनल, प्रिपेयरिंग रिजल्ट फॉर द डिटेल्स ऑफ पैसेंजर, वैन द डिटेल्स की, पैसेंजर की डिटेल्स निकालने के लिए, वैन द कंप्यूटर इज एम्प्लॉयड, जब भी कभी कंप्यूटर को एम्प्लॉय कराया जाता है यानी कि काम में लिया जाता है, फॉर मेकिंग एयरलाइन और रेलवेज रिजर्वेशन, या एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए, या फिर रेलवे के रिजर्वेशन करने के लिए, या फिर बहुत सारे नंबर ऑफ टाइप्स इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। यानी कि कभी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर का यूज़ लिया जा सकता है। साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर टू स्टोर एंड क्विकली फाइंड ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, जल्द से जल्द रिजल्ट फाइंड करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूजफुल इन डेवलपिंग एंड रिलेटिंग थ्योरीज अबाउट थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एंड मेजर। कंप्यूटर को यूज़ तब भी किया जा सकता है जब बहुत ज़्यादा यूजफुल डेवलपिंग किया जाता है, जब इवेल्यूटिंग यानी कैलकुलेशन किया जाता है थ्योरीज़ की, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो चीज़ डिफ़िकल्ट है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। लाइब्रेरीज यूज़ कंप्यूटर कैटलॉग्स टू होल्ड इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी जो है वो यूज़ की जाती है एज अ कैटलॉग जिसमें इंफॉर्मेशन को होल्ड किया जाता है। अबाउट देयर कलेक्शंस,
हॉस्पिटल्स यूज कंप्यूटर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ताकि उसमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सके, अबाउट देयर पेशेंट्स, उनके पेशेंट्स के पेशेंट्स जितने भी पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ में लिया जाता है हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट स्टोर्स इलेक्शन रिटर्न्स, गवर्नमेंट जो होती है वो स्टोर करती है इलेक्शन रिजल्ट्स या फिर रिटर्न्स एंड सेंसस इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर्स। ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस रिले ऑन कंप्यूटर्स टू स्टोर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एम्प्लॉयज़। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे इस प्रकार के बिजनेसेस हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट किए जा सकते हैं कंप्यूटर से, जिसमें स्टोर किया जाता है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? एम्प्लॉयज़ के बारे में, कस्टमर्स ग्राहकों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। टुडे द कंप्यूटर हैज़ एंटर्ड स्कूल्स। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो एंटर हो चुके हैं स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और बहुत सारी जगहों पे। सच अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक घर। थ्रू द इंटरनेट वन कैन गेट इंस्टेंसेस एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। थ्रू मतलब इंटरनेट जो है वो भी एक इतना बड़ी इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, सही तरीके से इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखता है। टुडेज वर्ल्ड अ ड्रीम ऑफ यस्टरडे हैज़ बिकम अ रियलिटी थैंक्स टू द कंप्यूटर। आज का जो सपना है वो कल का सपना हो चुका है, ये एक रियलिटी है थैंक्स टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को थैंक्स। तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को जल्द पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।